महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के 40 दिन बाद मंगलवार यानी 9 अगस्त को महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। शिंदे कैंप और बीजेपी के कुल 18 मंत्रियों ने शपथ ली है। नियमों के अनुसार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री समेत कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल 18 लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में किस पार्टी से कौन बना मंत्री। महाराष्ट्र में एक लंबे सियासी उठापटक के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। इस दौरान 18 लोगों ने शपथ लिया है, जिसमें बीजेपी की ओर से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, सुरेश खारे, अतुल सावे, विजय कुमार गावित, राजेंद्र चुआहर और मंगल प्रभात लोढ़ा ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो वहीं शिवसेना यानी शिंदे गुट की तरफ से जिन विधायकों ने शपथ ली है, इसमें दादा साहब भूसे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भुमरे, शंभूराजे देसाई और संजय राठौर शामिल है। शपथ लेने वाले विधायकों की लिस्ट जारी होने के बाद एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां बैठक हुई। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है, अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी सभी लोग संभालेंगे। इस राज्य की जनता को जो काम करना चाहिए वो किया जाएगा। राज्य का स्वर्णगिर्ण विकास करने को ये लोग काम करेंगे। इसके बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है। तो वहीं इस मंत्रालय के गठन के बाद अब बीजेपी ने भी बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया सूत्रों के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के मंत्री बनने के बाद बांद्रा पश्चिम के विधायक आशीष सैलार के नाम पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए विचार किया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार यानी 8 अगस्त को मालाबार हिल्स में नंदनव बंगले में 2 घंटे लंबी बैठक भी की थी। बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी अलग ही संकट में घिरती नजर आ रही है। 106 विधायकों वाली बीजेपी के पास सभी नेताओं को खुश रखने की चुनौती है। हालांकि पिछले महीने पार्टी के सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के सदस्यों को यह स्पष्ट कर दिया था कि हर किसी की आकांक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं है और उन्हें यथार्थवादी होने की जरूरत है। ऐसे कुछ शिंदे गुट के साथ भी संभव है। यही वजह है कि सरकार को मंत्रिमंडल के गठन में इतना समय लगा। तो ये तो थी महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।